हेलो रोटो एंड पेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है इस चैनल पे मैं रोटो एंड पेंट के वीडियोस बनाता हूँ अभी हम लोग मॉड्यूल थ्री कर रहे हैं इस मॉड्यूल में हम लोग डीएजिंग के बारे में सीख रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये वाले फुटेज पे कैसे इसका नॉइज रिड्यूस करना है वो बता चुका था तो अब आपको नॉइज रेड्यूस कर लेना है या फिर मैं इसका जो फुटेज है वो भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा जो कि दी नॉइज वाला भी होगा और नॉर्मल वाला भी होगा तो वहां से आप डाउनलोड करके डायरेक्ट उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो तो ये मेरा दी नॉइज रेंडर हो गया था जो कि मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया और मैंने एक और बात बताई थी कि जब भी Reduce noise जिस भी में करो उस में काम नहीं करना है। आपको नया इसके हिसाब से कर लिया है इसका जो फ्रेम रेंज है ग्लोबल ठीक है वो भी वन से वन थर्टी सेवन है तो यहाँ पे मैं वन थर्टी सेवन सेट कर लेता हूँ ठीक है ये हमारा सेट हो गया देखो यहाँ पे इनपुट करोगे ना इनपुट कर लेने के बाद जिस भी इनपुट से देखोगे ना उसका रेंज दिखाएगा देखो इस वाले इनपुट का रेंज वन से नाइन है, थ्री है? है इस वाले इनपुट का इतना इतना है, है? तो इनपुट कर, तो तो कर लिया ठीक है ये 1, 7, था, तो मैंने उतना सेट कर लिया और देखो मैंने यहाँ पर तीन फुटेज लाया हुआ है क्योंकि मेरे को कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है ना जो कि सारी चीजें इस फुटेज में नहीं है तो कुछ चीजें एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा दो फुटेज ले रखे हैं अब देखो ये फुटेज में देख रहा हूँ तो ये फोर के है ठीक है ये

इसका आय का ठीक है आय का मैंने ऐसा रोटो ड्रॉ किया अब देखो मैंने इसका आय का रोटो ड्रॉ किया और देखो अब मैं प्रिमल से देखूंगा तो यहां प्रॉपर दिख रहा है कटा हुआ लेकिन देखो अगर मैं यही यहां से देखता हूँ ना तो ये देखो रोटो हमारा कहीं नहीं दिख रहा है ठीक है तो वो पता नहीं रोटो का यहां चला गया ये देख रहे हो तो ये यह 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 यहां चला जा रहा है लेकिन वही मैं यहां से देख रहा हूँ तो यहां आ जा रहा है देखो चेंज हो जा रहा है इसका पोजिशन यहां से देख रहा हूँ तो यहां चला जा रहा है देखो यहां से यहां चला जा रहा है तो इस वजह से हम क्या करेंगे ना अगर काम करेंगे ना तो ये पी है तो अगर हमारा प्रोजेक्ट सेटिंग फोरके पे है तो इसको भी फोरकेट में कर लेंगे तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो टैप प्रेस करके रिफॉर्मेट नोट ले सकते हो रिफॉर्मेट जैसे लोग है ना तो जो भी आपका प्रोजेक्ट सेट रहेगा जिस भी उस पर उस पर सेट हो जाएगा देखो अब यहां से देख रहे हैं तो टेन ए दिखा रहा है और यहां से नीचे से देख रहे हैं तो फोरके दिखा रहा है ना अब देखो यहां से मैं देखूंगा तो हमारा जो रोटो है वो नीचे में दिखा रहा है ठीक है तो अब हम जो रोटो करेंगे यहां से देख के करेंगे अगर मैं रोटो करता हूं अब देखो मैं अगर यहां पर रोटो कर रहा हूं इसका अब यहां नीचे से देखेंगे तो देखो ये प्रॉपर हमारा यही दिख रहा है ठीक है तो इसलिए मैंने रिफॉर्मेट लगाया ताकि हमारा प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत ना हो काम करने में अब देखो डी में मैंने पहले भी बता चुका था कि इसमें बहुत ज्यादा हम लोग कुछ आ, जादू नहीं करने वाला है ये एकदम बुद्धि है इसको एकदम बिल्कुल अठारह साल की लड़की नहीं बनाने वाला है ठीक है तो थोड़ा बहुत इसका डिजिजिंग करें लाइक अगर इसका सेवेंटी या सिक्सटी एज होगा ना तो इसको फिफ्टी का बना देंगे ऐसा करके कुछ ठीक है तो अब देखो यहाँ पे इसमें क्या क्या काम करना पड़ेगा हमें यहाँ पे हमें देखो इसका ये मार्क रिंकल्स है ये रिंकल्स है इनको कम करना पड़ेंगे ये रिंकल्स कम करने पड़ेंगे यहाँ पे देखो आइस के पास जो रिंकल्स हैं ये सब रिंकल्स है वो कम करेंगे ये यहाँ पे कम करेंगे और देखो ये आइस पे जो यहाँ पे देख सकते हो रिंकल्स है ये जो भी है ना थोड़ा सा टेक्सचर यहाँ पे दिख रहा है मतलब डेफ्थ है थोड़ा बहुत तो इसको पूरा फ्लैट करेंगे यहां पे भी इसको फ्लैट करेंगे यहां पे देखो यहाँ पे रिंकल्स है इन सबको रिमूव करेंगे यहां पे गले पे देखो तो ये सब रिंकल्स इसको रिमूव करेंगे वर्टिकल में भी ऐसे रिंकल्स है उसको रिमूव करेंगे देखो यहां पे इसका चिन में लूज स्किन है इसको हटाएंगे और यहाँ पे भी नीचे में भी देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लूज स्किन है वो सब हटाएंगे नोज पे जो यहाँ पे डेफ ज़्यादा आ रहा है इसको कम करेंगे तो ये सब कम करेंगे तो हमारा ये थोड़ी सी जवान दिखने के लिए यहाँ पे ये फोरहेड पे पूरा लूज स्किन है इसको टाइट करेंगे ये वाला पूरा लूज स्किन है इसको टाइट करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने यहाँ पे क्या क्या चेंजेस कर रखे हैं जैसे कि मैंने फोटो जब कंप्लीट किया ना तो मैंने इस तरीके का इसको बना दिया ठीक है तो अब आप ध्यान से देखो मैं कंपेयर करता हूँ वन टू वन टू करके कि हमने क्या क्या, -क्या चेंजेस किया सबसे पहले देखो हमने फोरहेड पे ये सारे जो रिंकल्स है ना उनको कम किया उसके बाद देखो ये जो रिंकल्स है आई के आसपास वो हमने कम कर लिए ठीक है नोज पे थोड़ा सा ये जो डार्कनेस है इसको हमने कम किया यहाँ पे जो रिंकल्स है उनको बिल्कुल ही हटा दिया ठीक है यहाँ पे ये वाला रिंकल थोड़ा कम किया ठीक है उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे आ, जो ईयर के पास है उसको हमने बहुत ज्यादा कम किया ये वाला रिंकल हमने कम किया ये वाला रिंकल हमने कम किया उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमने आईब्रो थोड़ा सा अपलिफ्ट किया ठीक है क्योंकि क्या होता है ना जब ओल्ड स्किन होता है तो आईब्रो जो होता है ना थोड़ा सा लूज होकर नीचे डाउन हो जाता है तो हमने उसको थोड़ा सा अप किया ठीक है उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो हमने इसकी जो आई है ना आई के जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है उसको थोड़ा सा और ब्राइट किया है दोनों में ठीक है उसके बाद आप ध्यान से देख सकते हो कि ये जो हमारा आई के पास ये जो डीप डार्क है ना इसको हमने थोड़ा सा लाइट किया है ठीक है यहाँ पे यहाँ पे लग, देखो डेफ्थ ज्यादा लग रहा है तो ये डेफ्थ हमने कम किया उसके बाद आगे आप भी देखोगे तो इसके जो लिप्स है ना लिप्स पे ध्यान से देखो जो दो हाइलाइट्स थे ना उनको हमने कम कर लिया और वहां पर थोड़ा सा पिंक स्टोन दे दिया ठीक है इस तरीके से तो ये ओल्ड लेडी का अब ये लिप्स नहीं लग रहा है ठीक है ये वाला रिंकल्स देखो हमने हटाएं यहाँ पे भी रिंकल्स है वो हटाए ठीक है अब नीचे आते हैं हम लोग देखते हैं इसके नेक एरिया पे देखो तो तो नेक एरिया पे हमारा बहुत ज्यादा लूज स्किन था तो उसको हमने थोड़ा टाइट किया और ये वाला जो है ना पूरा पोर्शन हमने हटा दिया ठीक है इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ खींच दिया ना तो ये इस तरीके से थोड़ा टाइट हो गया तो इतना काम हम लोगों ने किया अब इसमें और भी बहुत सारे काम कर, किया जा सकता है जैसे कि इसके जो हेयर्स है ना हेयर्स इतने हैं तो हम लोग कहीं और किसी जगह से हेयर्स ला के इसके ऊपर ट्रैक करके चिपका सकते हैं तो वो सब मैंने अभी काम नहीं किया ठीक है यहाँ पे कुछ एरिया जो है ना ये हमारा इंट्रैक्ट थोड़ा इधर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट देखो अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो देखो ये जो हमारा है थोड़ा लेफ्ट राइट हो रहा है तो ये हमारा यहां पे डिस्टर्ब काफी होने वाला था। इसलिए ये एरिया फिलहाल मैंने छोड़ दिया है मैंने इस पर काम नहीं किया है और भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो देखो ये जो चीन का एरिया है ना ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपके ऊपर की तरफ लिफ्ट किया है ठीक है यहाँ पे जो एरिया ऊपर था उसको थोड़ा सा डाउन किया है ताकि ये थोड़ा सा गोल टाइप का चेहरा हो जाए क्योंकि जब हमारा स्किन लाइक जवान होते तो ये इतना ज्यादा लूज नहीं होता तो इस तरीके से मैंने परफेक्ट सेप कर दिया तो इतना आप देख सकते हो अब देखो आगे में बहुत सारे आपको इस तरीके से बनवाऊंगा ये सेट -अप्स। ये सेट -अप्स क्या होगा ये सेटअप्स हम लोग ऐसा बना के रख लेंगे फिर जब हम लोग ऐसे यूज करेंगे ना अपने फुटेज में तो वही वहां से कॉपी पेस्ट कर करके आगे की तरफ ऐसे यूज करते चले जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से मैं अभी आपको सेटअप्स भी बनवाऊंगा तो फिर चलिए आगे देखते हैं हम लोग कैसे काम करेंगे दोस्तों यहां तक हमने ऐसे पूरा फाइनल काम कर लिया फाइनल काम कर लेंगे के बाद हम लोग इस पर ग्रेन एड करके ऐसे फाइनल यूज कर लेंगे ठीक है अब देखो इसके फोरहेड पर रिंकल्स बहुत कम है तो मैंने इसीलिए दूसरा वाला शॉर्ट लिया है ताकि यहां पे दिखा सकूं कि यहां पे ज्यादा रिंकल्स है तो इसको कैसे हम लोग करेंगे ठीक है तो मैं दिए तीन तीन टेक्निक्स बताऊंगा ठीक है अब वो तीन टेक्निक्स का यूज यहां पे करने में थोड़ा बताने में आपको समझाने में प्रॉब्लम होगा इसीलिए मैंने ये वाला फुटेज ले रखा है समझाने के लिए मैं ये फुटेज यूज करूंगा लेकिन फाइनली हम लोग काम करेंगे इसी वाले फुटेज पर ठीक है तो समझाने के लिए मैं ये फुटेज यूज करूंगा अब देखो बीच में एक मैंने और फुटेज लिखा ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि देखो यहां पे दो करेक्टर्स दिख रहे हैं आपके देखो ये दो जो करेक्टर्स है ना तो ये काफी ज्यादा एज है इसका इसका एज देखो बिल्कुल कम है तो इन दोनों में आप फर्क देख सकते हो कि इसका देखो यहाँ पे का जो स्किन है ना काफी ज्यादा टाइट है बट यहाँ पे देखो इसका स्किन यहाँ पे लूज है यहाँ का स्किन देखो इसका बहुत ज्यादा टाइट टाइट है इसका बहुत ज्यादा स्किन लूज है ठीक है और भी देखो यहाँ पे जैसे कि देखो इसके ये वाला थोड़ा ज्यादा यहाँ पे स्किन पे डेफ दिख रहा है यहाँ पे स्किन पे ज्यादा डेफ दिख रहा है यहाँ पे देखो इसका बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है इसका गला देख सकते हो आप काफी ज्यादा लूज स्किन बहुत जगह पे है इसका देखो कितना टाइट स्किन तो इसके स्किन को हम लोग अगर टाइट कर देंगे तो इसका एज थोड़ा सा कम हो जाएगा तो ये तीनों फुटेज मैं आपको दे दूंगा आप लोग चाहो तो इस पर भी ट्राई कर लोगे लेकिन फाइनली हम लोग करेंगे तो वो बूढ़ी वाला फुटेज पे ही इसी पे हम लोग फाइनली काम करेंगे ठीक है तो इस तरीके से आपको ले आना है सब कुछ अब देखो आगे का काम हम लोग बढ़ते हैं ठीक है तो फिलहाल इन दोनों को मैं साइड कर देता हूं यहां पे मैं फिलहाल इस पे आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा ठीक है उस पर हम लोग ध्यान देंगे यहां से देखो इस तरीके से दिख रहा है अब यहां पे पहले दो क्लास में ये वाला क्लास और एक और क्लास ये दो क्लास में मैं आपको दो सेटअप से बनाना सिखाऊंगा वो सेटअप पहले हम लोग बना लेंगे उसके बाद वही सेटअप कॉपी पेस्ट कॉपी का पेस्ट कर करके और आगे हम लोग काम करेंगे ठीक है तो ये सेटअप क्या करना है कैसे करना है वो सीखते हैं तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है एक हम लोग लेंगे ब्लर नोट ठीक है ब्लर नोट बी प्रेस करोगे आ जाएगा ठीक है यहां से आप कनेक्ट करोगे देखो अब ब्लर का क्या सीन है अगर ऐसे आप ब्लड बढ़ाओगे तो देखो यहां से ब्लर से मैं देखता हूं और यहां से वन करता हूं ऐसे अगर आप ब्लर बढ़ाओगे तो इसका ओवरऑल ब्लर हो जाएगा देखो सब कुछ ब्लर हो रहा है लेकिन ब्लर के सामने ये वाला जो हैंडल है ना उसी के सामने दो टू लिखा हुआ है ठीक है उस पर क्लिक करोगे ना तो वह विथ और हाइट में स्प्लिट हो जाएगा देखो जैसे मैंने क्लिक किया तो और हाइट में स्प्लिट हो गया अब देखो फिलहाल मैं दोनों को जीरो करता हूं ठीक है अब हाइट वालों को मैं अगर हूं, जैसे मैं करता हूं, देखो हाइट वाले में मैं ट्वेंटी कर रहा हूं तो देखो जो भी ये वर्टिकल लाइंस थे ना इस तरह के लाइन्स जहां पे भी है आ, यहां पे हैं देखो यहां पे ऐसे लाइंस हैं ठीक है ये सब लाइंस हैं ये सारे लाइंस देखो मैं इसको डिजेब वन टू करके दिखाता हूँ ये सारे लाइंस ब्लर हो रहे हैं और जो भी ऐसे लंबे लंबे लाइंस है ना वो वैसे के वैसे ही रह जा रहे हैं तो क्या हो रहा है हाइट में वैल्यू डालने पर होरिजेंटल लाइन्स ब्लर होगा ठीक है और वैसे ही मैं अब यहाँ पे इसको जीरो करता हूं इसको मैं ट्वेंटी करता हूं विथ में मैं ब्लर डालता हूं ठीक है अब विथ में ब्लर डालने के बाद देखो यहां से वन करता हूं यहां से टू करता हूं अब क्या हो रहा है जो भी ऐसे वाले लाइन्स है यहाँ पे है यहाँ पे है ऐसे लाइन्स दिख रहे हैं देखो यहाँ पे ये यह वाला लाइन ऐसे है ठीक है और यहाँ पे है लाइन्स ठीक है तो ये सारे लाइन्स आप ध्यान से देखोगे तो देखो वन टू करता हूं तो ये सारे लाइन्स सब ब्लर हो रहे हैं ठीक है तो इस तरीके से भी आप हाँ ब्लर का यूज कर सकते हो स्प्लिट करके फिलहाल हम लोग इसको वापस से नॉर्मल कर लेते हैं इसको जीरो कर लेते हैं तो ये मैंने ब्लर का सिखा दिया ऐसा होता है अब हम लोग इसको प्लीट कैसे करने वाले हैं तो मान लो सबसे पहला हम लोग क्या सोच रहे हैं ना कि ये वाले जो लाइंस हैं इनको रिमूव करें ठीक है ये सारे लाइंस थोड़ा रिमूव नहीं करें हम लोग थोड़ा इसको कम करेंगे ठीक तो उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले इसको ब्लर करेंगे तो ब्लर करेंगे तो ये वैल्यू जो है ना थोड़ा थोड़ा फ्लैट होने लगा देखो ब्लर करते हैं और ब्लर से देखेंगे भी तो देखो धीरे 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 वो फ्लैट हो गया फ्लैट हो जाने के बाद अब ये तो पूरा हमें ब्लर दिख रहा है हमें पूरा ब्लर नहीं करना है तो हम क्या करेंगे इसका पहले डिटेल वापस लाएंगे डिटेल वापस लाने के लिए आप एक नोट होता है लैपलेसियन ठीक है सर्च करोगे यहाँ पे लैपलेसियन आ जाएगा कनेक्ट करोगे इस तरीके से यहां से कनेक्ट कर लो इनपुट से और एक मर्ज नोट ले लो नीचे में ऐसे मजनूर लोग लोगे और इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ से में जैसे ही डालेंगे यहां से देखोगे तो देखो ये थोड़ा सा टेक्सचर आ गया देखो यहां तक ब्लर था यहाँ से थोड़ा टेक्सचर आ गया अब यहाँ पे देखो एक तो ब्लर का कंट्रोल है यहाँ पे ब्लर है और एक हमारा लैपलेशन का कंट्रोल है अब लेप्लेसन को जैसे हम बढ़ाएंगे तो देखो हमारा पुराना टेक्सचर वापस आने लगा है ठीक है जितना भी बढ़ाएंगे अब देखो यहाँ से इनपुट से देखते हैं और यहाँ से आउटपुट से देखते हैं ये देखो थोड़ा बहुत कम हुआ ना अब देखो थोड़ा सा और हम लोग इसको एडिट करते हैं इतना और ब्लर को मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूं इतना अब देखो यहां से वन यहां से टू तो इस तरीके से हमारा इतना आया अब देखो हमें सिर्फ ये वाला जो रिंकल्स है ना उनको कम करना है तो उनको कम करने के लिए हम लोग एक मास्क लगा देंगे जो कि सिर्फ इतना ही एरिया पे काम करेगा तो उसके लिए क्या करेंगे देखो आप एक डॉट ले लो इसका मास्क इसमें डाल दो और इसका भी मास्क इसमें डाल दो ठीक है ये दोनों ऐसे कनेक्ट होगा उसके बाद एक रोटर नोट लो रोटर नोट लेके जैसे ही यहां से कनेक्ट करोगे ना आप देखो यहां से देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा वन टू में फर्क क्यों क्योंकि हमने मास्क लगा दिया है अब हम लोग जो भी मास्क बनाएंगे ना उसी पे वो काम करेगा ठीक है तो हम लोग इस एरिया के लिए ऐसा मास्क बनाते हैं अब देखो मेरा मास्क कंप्लीट होगा ना मैं इसको कट करता हूं तो देखो इस तरीके से हमें वन टू दिखेगा वन इनपुट और यहां से टू देखो ये हमारा आउटपुट इस तरीके से आ गया अब देखो ये हमारा जो रोटो हमने ड्रॉ किया है ना वो शार्प काफी एज है तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं इसके जस्ट बाद एक ब्लर लगाएंगे बी प्रेस करता हूं और इसके जस्ट बाद एक ऐसा ब्लर लगा देता हूँ ठीक है अब ये ब्लर करके थोड़ा सा इसका एज ब्लर करूंगा ना मैं तो देखो ये थोड़ा सा स्मूथ होके ब्लेंड हो गया इतना करने पर ये ब्लेंड हो गया अब देखो यहां से टू करता हूँ यहां से वन करता हूं ये देखो ये वाला हमारा थोड़ा कम हो गया अब इसी रोटो नोड में हम और भी चाहे तो एरिया ड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से देखो इतना इस पे हमको काम करना है तो इतना हमने ड्रॉ कर दिया देखो ये हमारा कम हो गया वन टू इस पर हमें काम करना है तो ये हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं अब देखो मैं हाइट इसको कर रहा हूं क्यू प्रेस करके क्यू प्रेस कर रहा हूं तो ये हाइट हो जा रहा है देखो ये हमारा काम हो गया और भी हमें करना है तो इस तरीके से हम लोग ऐसा कर देंगे ठीक है इस तरीके से देखो तो वो कम हो गया अब देखो क्योंकि ये वीडियो है ना वीडियो है इस तरीके से देख सकते हो ये मूवमेंट है तो जो हम लोग मास्क करेंगे ना यहां पे ये मास्क भी हमारा एनिमेटेड होना चाहिए मतलब हम लोग इसका प्रॉपर रोटो जैसे जैसे वो जा रहा है वैसे वैसे हम इसे रोटो भी करना पड़ेगा ठीक है तो रोटो कर लेंगे तो प्रॉपर वो हमारा सभी जगह पे उसी तरीके से काम करेगा ठीक है तो ये तो आप समझ गए ये हमारा हो गया एक स्क्रिप्ट ठीक है तो इसको हम लोग फिलहाल क्या करते हैं इसे साइड कर लेते हैं ये हमारा हुआ मेथड वन ठीक है मेथड वन हो गया इसको मैं प्रॉपर इस तरीके से दे देता हूं ठीक है अगर आप इसको रीनेम भी करना चाहो तो रीनेम भी कर सकते हो इन सारी चीजों को जैसे कि ये हमारा टेक्सचर के लिए यूज हो रहा है तो मैं इसका नाम देता हूं टेक्सचर ठीक है तो मैं इसका नाम देता हूं टेक्सचर ठीक है तो मैंने यहां से रीन्यूम कर दिया आप चाहो तो इस पर डबल क्लिक करके यहां से भी इसका रीन्यूम अब ये हम लोग ब्लर के लिए यूज कर रहे हैं फ्लैट करने के लिए तो हम फ्लैटनेस इसका नाम देते हैं ठीक है तो यहां से ऐसे हो जाएगा अब मैंने यहां पर इसका नाम कैसे चेंज किया देखो यहां पे अगर आपको नाम चेंज करना है तो इस नोट को सेलेक्ट करो और एन प्रेस करो ना तो ऐसे रीनेम करने का ऑप्शन आ जाएगा ये हमारा है अल्फा का ब्लर है ठीक है तो हम लोग यहाँ पे दे दिए अल्फा का ब्लर अल्फा ब्लर यहां पे जो भी रोटो हमारा कनेक्ट होगा इस तरीके से हो जाएगा तो ये हमारा सेटअप वन डन हो गया अब देखो एक सेटअप हो गया इस, इसी को हम लोग बार बार कॉपी पेस्ट करके आगे चीजें भर सकते हैं ठीक है अब देखो अब हम लोग एक और सेटअप बनाते हैं ठीक है उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा सबसे पहले एक चाहिए होगा ब्लर नोट बी प्रेस करोगे ब्लड आ गया इसको ऐसा कनेक्ट कर देते हैं ठीक है एक हमें चाहिए होगा मर्ज नोड ठीक है मर्ज नोड ऐसा लो और इसका बीच आएगा ब्लर में और ए जाएगा ऊपर अब देखो इस मर्ज से देखोगे ना तो अभी हमें कुछ नहीं देख रहा है तो इस मर्ज का जो ऑपरेशन है हमें कर देना है माइनस जैसी माइनस करोगे कोई फर्क नहीं दिख रहा है अब देखो ब्लर में मैं थोड़ी वैल्यू बढ़ाता हूं तो कोई चीज नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने माइनस करना था मैंने गलती से मीन कर दिया ठीक है तो इसको वापस से माइनस कर देते हैं देखो माइनस करेंगे तो इस तरीके से दिख रहा है अब देखो ब्लर को फिलहाल अगर जीरो कर देंगे तो कुछ नहीं दिखेगा तो ब्लर का वैल्यू कुछ दे दोगे ना उसके बाद इस तरीके से आपको डेटा दिखेगा ठीक है तो इसमें यहां से नहीं दिखना है आपको आपको दिखना है यहां से तो देखो इस तरीके से यह दिख रहा है अब ये एक्जैक्टली exactly ना हमारा लैपलेसियन जैसा ही है जैसे मैं एक दिखाता हूँ लैप्लेसियन ठीक है मैं इसको यहां से कनेक्ट करता हूं हमने ब्लर में वैल्यू कितना दिया है नाइन पॉइंट टू दिया है तो हम लोग लैपलेसियन में भी नाइन देते हैं ठीक है तो ये देखो इससे मैं देखता हूं और ये वाले नोट से देखता हूं दोनों सेम है तो यहां से भी और यहां से भी दोनों का सेम ही वन टू देखो करने पे एकदम सेम इफेक्ट आ रहा है तो ये समझो ना हमने एक Leplician का सेटअप बनाया इस तरीके से ब्लर और मर्ज का माइनस ऑपरेशन से अब आगे हमारा क्या काम है एक और हम ब्लर ले गए ठीक है इस ब्लर को हम लोग यहां से ऐसे कनेक्ट करेंगे यहां से कनेक्ट करने के बाद ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से और फिर एक और मर्ज लेंगे ऐसे मर्ज लोगे आप और इसका बी जाएगा यहां पे और ए जाएगा हमारा इस वाले मर्ज में ठीक है उसके बाद क्या करना है ये जो मर्ज ऑपरेशन है ना ये ओवर में है तो इसको आपको कर देना है प्लस प्लस यहां पे आपको मिल जाएगा यहां से अब देखो अब हम लोग नीचे से देखते हैं टू और यहां से देखते हैं वन अभी कोई फर्क नहीं दिख रहा है क्यों नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हमने ब्लर के वैल्यूज को एडिट नहीं किया ठीक है तो सबसे पहले मैं इसको रिनेम देता हूं ठीक है ऊपर वाला जो ब्लर होगा इसका हम लोग रिनेम करके दे देते हैं टेक्सचर ठीक है इसका नाम हम लोग टेक्सचर दे देंगे इसके वैल्यू से हम लोग खेलेंगे तो हमारा टेक्सचर रिवील बैक होगा और इसका नाम हम लोग दे देते हैं फ्लैटनेस <स्थाथ> कितना फ्लैट करना है आ, देखो अब फ्लैटनेस ये क्यों नहीं है क्योंकि हमने ये वाले नोड में पहले ही फ्लैटनेस करके एक नाम दे रखा है ये वाला में हमने फ्लैटनेस दे रखा है तो यहाँ एक ही इसको देंगे तो वो काम नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे ना इसको दोबारा से नाम वही देंगे फ्लैटनेस इसको नाम देते हैं कुछ और थोड़ा सा इसके आगे कुछ लगा देते हैं प्लस ऐसा करके डाल दिया मैंने अब देखो ये हमारा फ्लैटनेस हो गया और ये हो गया अब देखो यहां से टू करते हैं से वन करते हैं कोई फर्क नहीं दिख दिखाया तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा सबसे पहले ये वाला में जाके हम लोग इससे वैल्यू कुछ बढ़ाएंगे और यहाँ से देखेंगे नीचे से तो देखो नीचे से देख रहे हैं वैल्यू बढ़ा रहे हैं देखो इस तरीके से हमारा कुछ चेंजेस आ गया देखो थोड़ा सा स्मूथ हो गया अब ये हमारा कोई चीज फ्लैट हो गया देखो यहाँ पे वन टू ये वाला हमारा फ्लैट हो गया ऊपर वाला से हम टेक्सचर कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितना उसको फ्लैट करना है और ज्यादा देंगे तो देखो वापस नॉर्मल जैसा आ रहा है ठीक है थोड़ा कम करेंगे तो ये थोड़ा ऐसा फ्लैट हो गया दिख रहा है अब देखो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है कि यहां पे अब हमें इस एरिया पे काम करना है तो हम लोग यहां पे लगाएंगे अपना मास्क ये नीचे वाला जो फ्लैटनेस वाला है ना उसमें मास्क लगाएंगे और देखो यहां पे मैं जैसे ही रोटो कनेक्ट करता हूं सब कुछ नॉर्मल जैसा हो गया देखो वन टू कोई फर्क नहीं दिख रहा है अब यहां पर देखो एक रोटो ड्रॉ करेंगे जैसे हमने वहां पर ड्रॉ किया था अब देखो वो हमारा उतने पे काम कर रहा है मैं वापस इसको कट कर देता हूँ वन टू देखो ये काम कर रहा है अब हमें इसका एज ब्लर चाहिए तो यहाँ पे एक ब्लर दे देंगे और इस तरीके से करेंगे तो देखो ये हमारा ब्लर हो गया अब देखो ये ये वन टू वन टू इस तरीके से ये हमारा ये वाला कम हो गया तो आपको एक ये हमारा सेटअप बन गया अब इस सेटअप को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं ठीक है तो इसको मैं यहां से ऐसे कर लेता हूं और ये हमारा इस तरीके से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि इस तरीके से ये हमारा हो गया तो ये हमारा सेकेंड सेटअप बन गया इसमें भी वही काम हो रहा है जैसे हमने उसमें किया था वाले मेथड से ठीक है तो इसको भी अब हम लोग यहां से डिस्कनेक्ट करते हैं और इसको साइड में रख लेते हैं इसके बगल में ऐसे ये मेथड वन हो गया ये मेथड टू हो गया अब एक और मेथड देखते हैं इसी में अब देखो ये अलग अलग मेथड नहीं है मेथड सब सेम ही है बस स्क्रिप्ट मैनेजमेंट थोड़ा अलग है ठीक है अब नेक्स्ट काम हमारा क्या हुआ फिर से लेंगे एक ब्लर ब्लर को यहां पे कनेक्ट करेंगे इस तरीके से ठीक है एक मर्ज नोट लेंगे तो मर्ज आप ले लो इस तरीके से इसका बी जाएगा यहां पे और ए जाएगा ऊपर में देखो लास्ट वाले इसमें भी आपका हमारा वही था बी यहां जाएगा ए जाएगा ऊपर में ये डिफॉल्ट में ओवर रहेगा इसको हम लोग कर लेंगे फ्रॉम यहां से करेंगे फ्रॉम 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 कहां है यहां पे देखो फ्रॉम हो गया सेम उसी तरीके से एक और ब्लर लेंगे उसको उसके नीचे कनेक्ट करेंगे और उसके नीचे एक लेंगे फिर से मर्ज इसका बी ऊपर जाएगा और ए जाएगा इसमें और इसका भी जो ऑपरेशन होगा ना ये भी होगा फ्रॉम। तो इसको बोलते हैं फ्रॉम वाला मेथड इसमें दोनों मर्ज जो होता है ना वो फ्रॉम ही होता है ठीक है यहां से मैं एक इस तरीके से डॉट क्रिएट कर लेता हूं और इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूं ये भी सेम वैसे ही काम करेगा आप देखो सबसे पहले यहां से नीचे से देखते हैं और ये वाला जो है ना ये हमारा फ्लैटनेस है तो हम लोग इसको दे देते हैं नाम फ्लैटनेस अंदर इसको ये फ्रॉम वाला में है तो मैं फ्लैटने केम देता हूं उसका नाम तो एक ही हमारा नाम नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं करेगा ठीक है अब देखो नीचे से देख रहा हूं यहां से देख रहा हूँ इसको थोड़ा सा ऐसा करता हूं नीचे वाला को अगर जैसे हम बढ़ाएंगे तो देखो ये थोड़ा सा फ्लैटनेस ब्लर आ गया ठीक है ब्लर होने के बाद फ्लैटनेस होने के बाद हम लोग टेक्सचर वापस हमें चाहिए तो हम लोग टेक्सचर पे क्लिक करके इसको थोड़ा बढ़ाएंगे तो देखो कितना टेक्सचर चाहिए हम लोग बढ़ा लेंगे इसको थोड़ा और फ्लैट करना है तो इसको थोड़ा और फ्लैट कर लेंगे इस तरीके से अब देखो टू यहां से वन तो ये भी उसी तरीके से काम कर रहा है सेम अब इसमें भी यहाँ पे लगे आपका मास्क इस वाले ब्लर के पास नीचे वाला है ये हमारा मास्क हो गया यहां से एक रोटो ले, ले लेंगे ये हमारा कनेक्ट होगा यहाँ पे जहां पे भी हमें काम करना है उतना हम ड्रॉ कर सकते हैं अब देखो इतना ही पे हमारा काम हो रहा है अब हमें एक चाहिए ब्लर क्योंकि ये थोड़ा इसका एज दिख रहा है तो यहां से एक ब्लर लेंगे और ये ब्लर हम थोड़ा ऐसे बढ़ा देंगे तो इसका एज सॉफ्ट हो जाएगा देखो वन टू वन टू तो ये हो गया हमारा दूसरा सेटअप ठीक है तीसरा सेटअप तो इनसे इस सेटअप को भी हम लोग ऐसे साइड में कर लेते हैं तो देखो इस तरीके से मैंने तीन टअप बना लिए हैं अब ये तीन सेटअप मैंने क्यों बनाए हैं क्योंकि देखो बाय चांस आप इंडस्ट्री में कभी काम करोगे या फिर, फिर ही काम करोगे किसी ने आपको डीएजिंग का वर्क करके दिया है ठीक है अब कई लोग ना कुछ लोग ये फॉर्म वाला सेटअप यूज करते हैं कुछ लोग ये हमारा मर्ज माइनस सेटअप यूज करते हैं कुछ लोग इस तरीके से से यूज करते हैं तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो क्या अरे यार मैं तो मेरे को ऐसा आता था उसने तो कुछ और तरीके से करके दे दिया तो इसीलिए मैंने अलग अलग सेटअप्स में आपको बता रखा है देखो तीनों का काम बिल्कुल सेम ही हो रहा है बिल्कुल सेम ही तरीके से हो रहा है बस सेटअप अलग बन रहा है एक और सेटअप होता है जो कि बहुत लोग यूज़ करते हैं जो कि आप इजिली समझ सकते हो ठीक है जैसे मान लो मुझे इसको फ्लैट करना है तो हम लोग क्या करेंगे एक आ, पी एक्स एफ फिलर लेंगे टैब पी एक्स एफ फिलर ठीक है आप फिलर लोगे ऐसे कनेक्ट करोगे यहाँ से एक रोटो लोगे इस तरीके से रोटो में कनेक्ट करोगे और फिर यहाँ पर रोटो आप ड्रॉ करोगे जहां भी आपको काम करना है ऐसे ये ड्रॉ हो गया उसके बाद इसका वैल्यूज छेर हो गया तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे हाइट ऐसे करूँगा तो इस तरीके से ब्लेंड हो जाएगा ब्लेंड होने के बाद थोड़ा सा मैं इस पर ब्लर लगाऊंगा और इस ब्लर को यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा और इस पर ऐसे करके ऐसे करूँगा तो ये इंटरनल थोड़ा ब्लर हो जाएगा देखो इंटरनल इसका ब्लर हो गया थोड़ा सा रोटो का साइज बढ़ा देते हैं ऊपर की तरफ अब ये ब्लर होने के बाद इसको हम लोग एप्लीकेशन से मर्ज कर लेंगे तो मैं एक लेता हूँ लेप्लीशियन यहाँ से इनपुट में जाएगा और नीचे एक नोड से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से अब यहाँ पे लेप्लेशियन का वैल्यू जितना ही बढ़ाएंगे उतना हमारा डिटेल बैक हो जाएगा लेकिन देखो ये हर जगह पे काम कर रहा है तो इसका हम लोग मास्क इसमें डाल देंगे ऐसे करके अब देखो ये सिर्फ उतना ही एरिया पे काम हो रहा है एप्लीसन का वैल्यू जितना बढ़ाएंगे उस तरीके से ये काम होगा तो देखो ये नोड भी सेम वैसा ही काम कर रहा है तो अपना अपना तरीका है लेकिन देखो अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग अगर पी एक्सए फिलर से होल मास्क हटाएंगे ना ये वैसे ही ये काम करना बंद कर रहा है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा देखो यहाँ पे बिना मास्क के ना इन सब में हम लोग काम कर सकते हैं मान लो इससे भी मास्क हटा देता हूँ इससे भी मास्क हटा देता हूँ और इससे भी मास्क हटा देता हूँ देखो यहां से भी देखो यहां से मास्क हटाया था ये जो मास्क का ये है ना ऐसे हटा देते हैं अब देखो यहां से भी काम कर रहा है तो हम लोग ऐसी डायरेक्ट वैल्यू छेड़ के समझ सकते हैं कि किस एरिया में हमें काम करना है उस एरिया के हिसाब से बाद में रोटो कर लेंगे इसमें भी वैसे सेम यहां से मास्क हटाता हूं हूँ हम लोग कोई भी एरिया पहले ही ऐसे करके मैनुअली एडिट करके देख लेंगे बाद में मास्क ऐड करेंगे इसमें भी वही कर सकते हैं देखो यहां पे इन दोनों को मैं हटा देता हूं यहां से ऐसे देखता हूं तो देखो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू एडिट करके बाद में मास्क ऐड कर लेंगे तो ये सब ट्रिक्स में ना हम लोग मास्क बाद में भी ऐड कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे देखो ये वाले ट्रिक में हम लोग मास्क जैसे हटाएंगे ना ये प्रॉपर काम करना बंद कर देगा पी एफ एक्स देखो अब काम नहीं कर रहा है ठीक है तो इस वजह से मैं ये ट्रिक नहीं बता रहा हूँ ठीक है तो इसको हम लोग नहीं ही यूज़ करेंगे और भी दो तीन ट्रिक्स हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं फिलहाल इसके लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं इस क्लास में इतना जो तीन सेटअप्स है ना आप लोग ही बना के

मैं होप करता हूं कि मैंने ठीक से आप लोगों को समझाया है समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट करके बताओ कि बहुत अच्छे से मैंने बताया है आप अच्छे से समझ में आ गया अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो भी बताओ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है तो वो मैं समझा दूंगा इजीली देखते रहो रोटू एंड पेंट अकेडमी यूट्यूब चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है या यार सब आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को लाइक करना भूलना मत कमेंट करना भूलना मत और देखो ये मास्टर क्लास बहुत ही सही जा रहा है तो जिन लोगों को भी पेंट में थोड़ा डाउट है या फिर उतना कॉन्फिडेंस नहीं पेंट में उनके साथ शेयर करो भाई मेरे वीडियोस ये वीडियोस ये उनको काफी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा बहुत बेसिक समय मैं बता रहा हूँ तो ज्यादा समझने में ईजी भी होगा और अच्छे से समझ में आएगा तो, तो बस ऐसे ही शेयर करते रहो कमेंट करते रहो अच्छे अच्छे और देखते रहो रोटो एंड पेंट अकेडमी यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच